प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रताश गुप्ता, पूर्व प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में मैं कविताएं सृजन करता हूँ। जो कविताएं बहुत रुचिकर हैं उनको मैंने ये मेरी जो कविता संग्रह रंग बिरंगी कविता इसमें सम्मिलित किया है। और आज की जो कविता का विषय है वो है मेरे जीवन में जमुना जी। इसमें मैं आपको दो बातें बताऊँगा कि जमुना जी को लोकल लैंग्वेज में यमुना को जमुना जी बोलते थे और जी कह के बुलाते थे। जी रिवर को हम सब जैसे गंगा जी, जमुना जी है जी, सभी जी कह के बुलाते थे, ना मान सम्मान करते थे। और बचपन में हर शनिवार इतवार को वहाँ स्नान करने जाते थे। बराबर में वहाँ एक सिद्ध बाबा थे, उन पर वहाँ जल अभिषेक करते थे और लोकल लैंग्वेज में जैसे बताशे पताशे बोलते हैं उसका प्रसाद मारते थे। तो मैंने 50 साल पहले पुरानी अपनी यादें किस तरह से इस कविता में डाली हैं वो आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा। अमिट अमिट छाप छाप रखी है, अमिट छाप छाप रखी है मेरे हृदय पटल पर जमुना जी ने। अमिट छाप छाप रखी है मेरे हृदय पटल पर जमुना जी ने। जमुना जी के विभिन्न रूप देखे थे जो लड़कपन में मैंने, एक अमिट छाप छाप रखी है जमुना जी ने। सर्वप्रथम जब देखी बचपन में जमुना जी, मेरे को अभी तक याद है अपनी जिंदगी में सबसे पहले जब मैंने जमुना जी को देखा, सर्वप्रथम जब देखी बचपन में जमुना जी, मैंने देखा भरपूर थी रेती जमुना जी में, गांव के धोबी का खंजर जैसा पत्थर किनारे पड़ा था जमुना जी में, नीले काले जल की जलधारा थी स्पष्ट जमुना जी में। हर रविवार को स्नान करते थे हम जमुना जी में, हर रविवार को स्नान करते थे हम जमुना जी में। एकमात्र कोई शौक नहीं था नहाना जमुना जी में, वरन वह विश्वास था अटूट, एक आस्था थी जमुना जी में। आसपास का अपार जनमानस सहृदय स्नान करता था जमुना जी में। स्नान पश्चात जमुना जी की चिकनी मिट्टी से भाल पर तिलक सजाना, मस्तक को तिलक से सजाना, तत्पश्चात स्वच्छ परिधानों से शरीर शोभायमान करना, कलश में जल भर कर लेना, यह क्रमशः घटित होता था हर रविवार जमुना जी में। अखबार के लिफाफे में प्रसाद स्वरूप रखे रहते थे पताशे, अखबार के लिफाफे में प्रसाद स्वरूप रखे रहते थे पताशे, सिद्ध बाबा की समाधि पर जल अभिषेक करते थे सघन अवस्था में, श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित कर देते थे, धन धन ये नाम नाना स्नान करना जमुना जी में। अंतिम वर्षा ऋतु में जमुना जल का बढ़ जाना, स्तंभर प्रारंभ में भरपूर रौ बाढ़ का आ जाना, चांदनी रातों में चंदा का जमुना जल पर छा जाना, कैसे कैसे रमणीक रूप स्वरूप देखे हैं मैंने अपने लड़कपन में जमुना जी में। जय हिंद।